नेतृत्व में 9 साल का कार्यकाल पूर्ण किए हैं और इस 9 साल में ये हम कह सकते हैं कि देश की तस्वीर बदली है, देश की तकदीर बदली है, आम लोगों का सम्मान बढ़ा है और उतना ही नहीं वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान भी बढ़ा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हम लोगों ने इसके पहले नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले 10 साल का कार्यकाल हमने देखा है और उस कार्यकाल में एक बेबस प्रधानमंत्री की तरह ये कहा जाता था कि रिमोट कंट्रोल के प्रधानमंत्री, और उस समय जो परिस्थितियां थी कि जिस प्रकार से देश में अराजकता की स्थिति, लूट खसोट और उसके बाद में एक निराशा का दौर था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में इस देश में एक नई आशा बढ़ी और उस आशा के साथ में विकास की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो 15 रुपये पहुंचता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने टेक्नोलॉजी में ये ला करके बता दिया कि हम 15 रुपये मिलता नहीं बल्कि 100 रुपये भेजते हैं तो 100 रुपये वहाँ प्राप्त होता है। और उसके बाद में कोविड काल की स्थिति आपके सामने में है कि जहाँ हम एक तरफ टीके के लिए वर्षों इंतजार करते थे पहले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आने के बाद में कोरोना काल में टीके और टीके के बाद में ड्रोन के द्वारा कैसे जो कठिनतम रास्ते हैं वहाँ पर कैसे उनको पहुँचाया जा सके, क्षेत्रों में पहुँचाया जा सके, इसको भी उन्होंने प्रयास करके भारत को कोविड के काल में मृत्यु के सैया से उठा करके लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया और देश के करोड़ों लोगों को जान बचाया। आज हम जब विकास की बात करते हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश में हम शैक्षणिक क्षेत्र में देखेंगे तो जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज नए खोल रहे हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे स्वच्छता को लेकर के एक जन जागरण पूरे देश में करने का काम, 11 करोड़ से ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना जो 75 साल के पहले नहीं मिले उन लोगों के सिर के ऊपर में छत कैसे हो, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कैसे मिल सके, जिनके घर में बिजली नहीं है वहाँ बिजली कैसे पहुँच सके, जिन गाँव में सड़क नहीं है उन गाँव में सड़क कैसे पहुँच सके, और जिनके यहाँ जो बहनें हैं जो लकड़ी जलाते थे उज्ज्वला गैस के माध्यम से उनके घर में पहुँचाने का काम, एक प्रकार से सर्वांगीण विकास करने का काम, कोविड काल में लोगों को बचाने का काम, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की योजना आज तक जो जारी है, इसी प्रकार से हम देखेंगे कि उनके देश के अंदर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जो हमारे लोग फंसे हुए थे कोविड काल में उनको लेकर के आए। इसके बाद में यूक्रेन में जो हमारे बच्चे फंसे हुए थे पूरे देश के उनको लेकर के आए और भारत का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा पूरे वैश्विक स्तर पर हम देखेंगे तो आज मोदी जी ने भारत का मान बढ़ाने का काम किया है। मैं समझता हूँ मोदी जी के स्वर्णिम 9 वर्ष के कार्यकाल हम कह सकते हैं कि भारत ने अंगड़ाई ली है और अंगड़ाई लेने के बाद में जिस प्रकार से भारत विकास के पथ पर आज आगे है, पुराने बहुत सारे ऐसे मसले थे, ऐसे मसलों को लोग कहा जाता था कि कभी हल हो ही नहीं सकता, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, धारा 370 का मामला हो, 35A का मामला हो, या आपके 3 तलाक का मामला हो, या आपके, लेकिन आज आप देखे हैं कि मोदी जी के आने के बाद में कहीं ना खून ना कहीं खराबा, राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया, बहुत जल्दी उसका लोकार्पण होना है, भगवान राम करोड़ों लोगों के आस्था है, भगवान राम के दिल में हमारे बैठे हुए हैं और उनका भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। कश्मीर धारा 370 का कहा जाता था कि संभव ही नहीं है, लेकिन कश्मीर को धारा 370 समाप्त किया गया, आज हमारा मुकुट जो हिंदुस्तान का कश्मीर है, कन्या से कश्मीर तक हमारा एक है, आज हम कह सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो मसले थे जिनका लगता था कि संभव नहीं है मोदी जी ने करके दिखाया है। मित्रों बोलने के लिए बहुत है लेकिन मैंने आपको बताया जिस प्रकार से विकास हुआ है, वास्तविक में ये विकास हिंदुस्तान का स्वर्णिम समय, मैं कह रहा हूँ कि स्वर्णिम भारत की ओर हम लोग जा रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सिरमौर राष्ट्र भारत बनेगा, विश्वगुरु का दर्जा प्राप्त भारत को होगा और आज जिस प्रकार से नीति और निर्णय होते हैं मोदी जी उसमें समाहित होते हैं। 20G का मामला आपके सामने में है कि पहले बार हमको
अध्यक्षता करने का अवसर मिला और मोदी जी ने कहा कि 256 कार्यक्रम हम करेंगे, विभिन्न प्रदेशों में जाएंगे, वहाँ के कला है, संस्कृति है, वहाँ के विचारधारा है और आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर के वहाँ पर संवादें होगी, ये हमको सबको स्वागत करने का अवसर प्राप्त होगा। और इस प्रकार से आज हम समग्र रूप से चहुंमुखी विकास की बात करते हैं, चाहे वो गरीब का हो, चाहे बेरोजगारों का हो, चाहे वो किसान का हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो या हमारे खिलाड़ियों को लेकर के हो। जिस प्रकार से उन्होंने उनके आने के बाद में आपने देखा है कि ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का शुरू हो गया है और इस प्रकार से स्वर्णिम विकास की दिशा में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को पहुंचाया है और भारत का मान सम्मान वैश्विक स्तर पर बढ़ाया है। ऐसे नरेंद्र मोदी का 9 वर्ष का स्वर्णिम काल हम सब देख रहे हैं।